गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। टुडे वी विल डिस्कस हाउ वी फाइंड द रेशियोज ऑफ एंगल्स ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। दैट्स मीन्स टुडे वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री टेबल। This table is very important. Trigonometry table. In trigonometry table, we discuss the some specific angles of trigonometry. Clear? We know trigonometry ratios are sine theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. Clear? Sine theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. Clear? First angle is 0 degree. First is 0 degree. Second angle is 30 degree. Third angle is 45 degree. This angle is 60 degree and this angle is 90 degree. Clear? Okay. Clear? Now we find sine 0 degree, sine 30 degree, sine 45 degree, sine 60 degree and sine 90 degree. These are the specific angles sine 0 degree. अब आपको method अपन we will discuss method how we find the values of these angles. First write 0 1, 2, 3 and 4. Clear? From 0, 1, 2, 3 and 4. Clear है? इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, फिर अपन वापस से कर लेंगे. Clear? Now divide this value by 4. Now divide this value by 4. Divide again by 4, divide by 4, divide by 4 and divide by 4. Now cut the value, this value cut by 2, 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 1 4. Now take square root of this value. So we see that this is 0, so 0. Now 1 upon 4, square root of 1 upon 4 is 1 upon 2. Square root of this 1 upon 2, square root of 1 is 1 and square root of 2 is root 2. Square root of this is, square root of 3 is root 3 and square root of 4 is 2 and square root of is 1. This is the sin theta values. That means ये वैल्यू हो गई आपके पास में, ये मेथड हो गया आपके पास में. फर्स्ट राइट 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड नाउ डिवाइड बाय 4, 4, 4, 4, 4, 4. नाउ जो वैल्यू कट हो रही है उसको कट करो. तो वी सी दैट 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, 4, 1 जा 4, 4, 1 जा 4. नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यूज, तो वी गेट 0. That means
साइन जीरो, साइन जीरो इज जीरो, साइन थर्टी डिग्री इज वन अपॉन टू, साइन फोर्टी फाइव डिग्री इज वन अपॉन रूट टू, साइन सिक्सटी डिग्री इज रूट थ्री अपॉन टू एंड साइन नाइन्टी डिग्री इज वन. नाउ वैल्यू ऑफ कोस थीटा, नाउ वैल्यू ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा इज साइन नाइन्टी डिग्री इज द वैल्यू ऑफ कोस जीरो डिग्री, साइन सिक्सटी डिग्री इज द वैल्यू ऑफ साइन कोस थर्टी डिग्री एंड दिस वैल्यू इज इक्वल रूट वन अपॉन टू इक्वल टू रूट वन अपॉन टू, दिस वैल्यू इज वन अपॉन टू एंड दिस वैल्यू इज जीरो. दैट्स मीन्स आपको जो साइन थीटा में वैल्यू गिवन है उसी को रिवर्स में राइट करना है, जीरो वन अपॉन टू वन अपॉन रूट टू रूट थ्री अपॉन टू एंड वन. एंड नाउ कोस थीटा इज वन रूट थ्री अपॉन टू वन अपॉन रूट टू वन अपॉन टू एंड जीरो. क्लियर. नाउ वी फाइंड टेन थीटा. क्लियर. टेन थीटा आप किस टाइप से फाइंड करोगे? वी फाइंड टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा. क्लियर. साइन थीटा इज डिवाइड बाय कोस थीटा. टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा. दैट्स मीन्स टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. व्हेन साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा वी गेट टेन थीटा. तो नाउ सी जीरो डिवाइड बाय वन, व्हेन वी डिवाइड जीरो बाय वन वी गेट जीरो. नाउ वन अपॉन टू डिवाइड बाय रूट थ्री अपॉन टू, तो टू से टू कट हो गया, वैल्यू इज वन अपॉन रूट थ्री. वन अपॉन रूट टू डिवाइड बाय वन अपॉन रूट टू वी गेट वन. नाउ रूट थ्री अपॉन टू डिवाइड बाय वन अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू डिवाइड बाय वन अपॉन टू, टू से टू कट हो जाएगा एंड रूट थ्री डिवाइड बाय वन वी गेट थ्री. एंड नाउ दिस इज वन डिवाइड बाय जीरो, दिस इज इन्फाइनिटी. इन्फाइनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड. क्लियर. इसका मीनिंग यहां से आप देखो, सिंस जीरो डिवाइड बाय वन वी गेट जीरो, बट इफ वन डिवाइड बाय जीरो, इफ वन डिवाइड बाय जीरो दिस इज मीनिंगलेस और नॉट डिफाइंड. क्लियर. When 0 divided by 1, we get 0 and when 1 divided by 0, this is meaningless. That's mean this is not defined and this is value, it is called infinite. And value of cos theta is, now value of cos theta, we find value of cos theta infinity root 3 1, 1 upon root 3 and 0. Clear? Okay. Now we get value of sec theta. We have discussed in previous class that sec theta is the reciprocal of cos theta. Sec theta is reciprocal of cos theta. तो नाउ वी दैट sec थीटा reciprocal means चेंज numerator एंड denominator. तो वन अपॉन वन, तो दिस इज द वैल्यू इज वन. टू रूट थ्री अपॉन टू इज टू अपॉन रूट थ्री. वन अपॉन रूट टू इज रूट टू. वन अपॉन टू इज टू एंड दिस इज जीरो अपॉन वन. तो वन कन्वर्ट होगा तो दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी. क्लियर. यहाँ पे वन है तो जब आप इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वन अपॉन जीरो एंड वन अपॉन जीरो मीन्स मीनिंगलेस इनफाइनिटी. क्लियर. दिस इज जीरो. और नाउ कोसेक थीटा दिस इज इनफाइनिटी टू रूट टू टू अपॉन रूट थ्री एंड वन. क्लियर. क्लियर है आपके पास में? आप यही वैल्यू इससे भी फाइंड कर सकते हो.
कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा, 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 इसका रेसिप्रोकल करोगे आप जीरो अपॉन वन, वन अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, वन अपॉन टू, टू वन अपॉन रूट टू, रूट टू टू अपॉन रूट थ्री, एंड वन अपॉन वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, ओनली वन। क्लियर है? तो बाय दिस ट्रिग्नोमेट्री टेबल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, एंड दीज स्पेसिफिक एंगल्स आर 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। क्लियर हो आप सभी के? क्लियर है? तो सिंपल आपको क्या करना है, ये टेबल अपन किस टाइप से कंस्ट्रक्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन 2 एंड 1 आपके पास में गिवन है। क्लियर? ओके, क्लियर? ओके, फ्रॉम दिस टेबल यू सी दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 एंड 1, दैट मीन्स व्हेन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एंगल देन द रेशियो इज ऑल्सो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स साइन थीटा, साइन थीटा के बाद में आपके पास में टेन थीटा एंड सेक थीटा, दैट्स मीन्स नोट करके आप फर्स्ट पॉइंट राइट कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, टेन थीटा एंड सेक थीटा increases the value of sin theta, tan theta and sec theta increases when the value of angle increases। क्लियर? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, टेन थीटा एंड सेक थीटा इंक्रीजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ एंगल इंक्रीजेज, दैट्स मीन्स आप देख रहे हो जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपके पास में साइन थीटा की, साइन थीटा, टेन थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एंड नाउ सेम कोस थीटा, कोट थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सेकंड पॉइंट आप ये नोट कर लो, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, कोट थीटा एंड कोसेक थीटा डिक्रीजेस when the value of angles increases। clear आपके पास में? first point is the value of sin theta, tan theta and sec theta increases when the value of angles increases, the value of cos theta, cot theta and cosec theta decreases when the value of angles increases। clear? okay, and we you also see that the value of sin theta and cos theta lies only between 0 and 1। third point आप ये भी राइट कर सकते हो, थर्ड पॉइंट राइट कर लो आप, ये राइट कर लो आप थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ
साइन थीटा एंड कोस थीटा लाइज बिटवीन 0 and 1. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा लाइज बिटवीन 0 and 1. क्लियर? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा लाइज बिटवीन 0 and 1. क्लियर हो गया आपके टेबल से कंक्लूजन? ठीक है, क्वेश्चन आपके पास में किस टाइप से गिवन होगा अपने एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं. क्लियर? क्वेश्चन किस टाइप से गिवन होगा आप अपन एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री. ये वैल्यू आपको गिवन है, इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है. क्या गिवन है? फाइंड साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री. तो फर्स्ट आप वैल्यू पुट करो साइन 90 डिग्री. वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज 1. तो हेयर वी राइट वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज 1 प्लस वैल्यू ऑफ टेन 45 डिग्री. टेन 45 डिग्री इज ऑल्सो 1. 1 प्लस 1 2 इज द आंसर. क्लियर? नाउ वी ऑल्सो डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन. कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री. क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री. कॉस 0 डिग्री इज 1. तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री इज 1. साइन 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज 1/2. क्लियर? तो 1 + 1/2 = 3/2 इज द आंसर. 1 + 1/2 3 and 1/2. 1 and 1/2 का मीन्स 3/2. 1 + 1/2 = 3/2. क्लियर हो गया होगा आपके पास में इसमें किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, वन वी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. सेक 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री. क्लियर? नाउ सॉल्व. sec 60 डिग्री, वैल्यू ऑफ sec 60 डिग्री इज 2. नाउ पुट द वैल्यू 2 प्लस cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री इज 1/2. पुट द वैल्यू ऑफ 1/2. नाउ सॉल्व इट. कैसे सॉल्व करोगे आप? 2 2 जा 4. 4 + 1 5. 5/2 इज द आंसर. क्लियर हुआ आपको किस टाइप से क्वेश्चन इसमें गिवन होते हैं? ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं. नाउ क्वेश्चन 4 इज एग्जाम्पल 4. वैल्यू इज साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री. ये वैल्यूज आपको गिवन है, इस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ स्क्वायर में गिवन है, तो फर्स्ट आप पुट द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री. पुट द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री इज √3/2. √3/2 होल स्क्वायर. ठीक है, इसका मीनिंग ये है साइन स्क्वायर 60 डिग्री मीन्स साइन 60 होल स्क्वायर में वैल्यू रिटर्न है. तो √3/2 होल स्क्वायर प्लस टेन 30 डिग्री इज 10 30 इज 1/√3. तो पुट द वैल्यू ऑफ 1/√3 स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू. नाउ सॉल्व इट. √3/2 √3 होल स्क्वायर. तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. दैट्स मीन्स लाइक दैट √3 × √3 = 3. ठीक है, 2 × 2 = 4 प्लस 1/√3 √3 = 3. नाउ टेक द एलसीएम ऑफ दिस वैल्यू. एलसीएम ऑफ दिस इज 12. 4 × 3 = 12. 3 × 3 =
नाइन प्लस 12 डिवाइड बाई 3, 3 फोर जा 12, 4 9 प्लस 4 13 अपॉन 12 इज द आंसर। क्लियर हो आप सभी के? यानी स्क्वायर में वैल्यू आपको गिवन हो या स्क्वायर में गिवन हो या क्यूब में गिवन हो, जनरली स्क्वायर में वैल्यू गिवन होगी। स्क्वायर में वैल्यू गिवन हो तो आप पहले एंगल की वैल्यू पुट करो, उसके बाद में आप उसको सिंपल स्क्वायर करना है। स्क्वायर गिवन हो तो सिंपल स्क्वायर करना है, विदाउट स्क्वायर गिवन हो तो एज इट इज वैल्यू आपको पुट करके लास्ट में अपन जो फ्रैक्शन से क्वेश्चन सोल्व करते हैं उस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लियर हो गया? टेबल से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन किस टाइप से गिवन होंगे। अब कहो के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री के बजाय 25 डिग्री गिवन हो या 20 डिग्री वैल्यू गिवन हो। तो देखो, जब वैल्यू आपको ओनली वैल्यू आपको इन्हीं एंगल्स के बिटवीन में वैल्यू गिवन होगी, या तो 0 डिग्री गिवन होगी या 30 होगी, 45 होगी, 60 होगी और 90 डिग्री होगी। रीजन, बाय दिस टेबल वी कैन फाइंड ओनली दीज वैल्यू ऑफ दीज स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, बाय दिस टेबल वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 डिग्री, वैल्यू ऑफ 30 डिग्री। फिर उस टाइप की वैल्यू आपको गिवन होगी तो वो अपन फिर ट्रिग्नोमेट्री, जैसे अपने पास में लॉग वाली टेबल होती है उसी टाइप से ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाले क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ओनली आपके ये जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, ये स्पेसिफिक एंगल्स आपको गिवन एग्जाम में गिवन होंगे, इन्हीं एंगल्स से आपके पास में क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर आपके पास में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आप एक्सरसाइज जो आपके पास में 8.2 एक्सरसाइज आपके गिवन है, उस 8.2 एक्सरसाइज को आप सोल्व करना। आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप उस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सोल्व कर लोगे। ठीक है, इस टेबल को आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास में ओनली 5 मिनट का आपको टाइम लगेगा। आप एग्जाम में भी एक साइड में कॉर्नर में इस टेबल को बना लेना, क्योंकि टेबल से रिलेटेड एग्जाम में भी कम से कम आपके पास में 3 या 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार आप टेबल बना लोगे तो 3 और 4 मार्क्स आपके ईजिली आप ऑब्टेन कर लोगे। क्लियर है? ओके, आप एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन सोल्व करना। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं तो वी विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।